hi everyone welcome to road to cat 99 my name is pallav goel and i am currently at iim ahmedabad i hope you also reach your dream school very soon right so in this video we will discuss five habits that can bring change to a percentile that can surely increase your percentile and these are the habits that i followed during my cat preparation which helped me to score 99.98 and top various other exams and

मोर टाइम ऑन द सोशल मीडिया एंड दे नो द फैक्ट कि दे आर स्पेंडिंग अलॉट मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया राइट स्टिल दे आर नाट एबल टू कंट्रोल कि उसको कंट्रोल कैसे करें मैं मैं बार बार स्टडी uh, के बीच में मैं सोचता हूँ मैं दो घंटे पढ़ूंगा स्टिल बार बार फोन चेक करना इवन वैन आई डोंट रिसीव एन नोटिफिकेशन आई कीप ओपनिंग इंस्टाग्राम आई कीप स्क्रोलिंग एंड देन थर्टी मिनट्स पास अवे सिक्सटी मिनट्स पास इज अवे राइट एंड आई डोंट कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम और आई फेल टू कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम बिकॉज This is a pure addiction, right? And this is so normalized that we stop calling this thing as an addiction, right? We just say that okay, I I I use Insta, but nobody knows that for how many minutes or for how many hours do you use. But internally, we all know that we are spending more time than required. Ek bar aap apne mobile pe, स्क्रीन टाइम जाके देख लेना यू मस्ट बी स्पेंडिंग मोर देन वन आवर ऑन द इंस्टा और यू फॉर श्योर राइट इवन इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो दैट मीन्स दैट इधर यू आर कमिंग थ्रू द नोटिफिकेशन और यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग द यू एंड यू फाउंड दिस वीडियो एंड यू सॉर्ट ऑफ थॉट कि ठीक है लेट्स गिव इट ए वॉच राइट सो इन ईदर ऑफ द केस यू आर यू आर सॉर्ट ऑफ कटिंग योर टाइम राइट आप अपना टाइम कट कर रहे हो एंड यू आर गिविंग मोर टाइम टू द सोशल मीडिया इवन इफ यू आर गिविंग लेस टाइम वाई यू आर दैन यू हैव टू रिलेटिवली कंपेयर कि आप पढ़ाई कितनी कर रहे हो और सोशल मीडिया कितना चला रहे हो सो so, एक मैंने छोटी सी हैबिट इसके लिए मैंने डेवलप की थी राइट right? यूट्यूब मैं बहुत कम देखता था अपने प्रपरेशन फेज में है ना बट मैं इंस्टाग्राम काफी चलाने लग गया था तो इंस्टाग्राम को टैकल करने के लिए वॉट आई डिड वॉज आई जस्ट अनइंस्टॉल्ड इंस्टाग्राम ऑन माई फोन एंड आई यूज टू यूज इंस्टाग्राम ऑन द क्रॉम ब्राउजर राइट क्रोम ब्राउजर में क्या है कि अभी थोड़ा सा यू आई अच्छा हो गया उस टाइम रील्स भी नहीं क्रोम ब्राउजर में अवेलेबल होती थी राइट तो दैट वॉज ए प्लस पॉइंट बिकॉज आई बिकॉज अन इंस्टॉल करने के बाद आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर सम अपडेट्स ऑन द इंस्टाग्राम अबाउट माई वॉट फ्रेंड्स आर डूइंग एंड एक्सवाई जेड थिंग्स एंड वो मैं कैसे कर पाया बिकॉज आई ऑलवेज हैड वन ड्रीम आई ऑलवेज हैड वन माइंड सेट आई ऑलवेज हैड वन अ फ्यूचर सिनेरियो कि मैं यार कभी एल के पी के सामने जाऊँगा कभी खड़ा हूँगा कभी मुझे चांस मिलेगा राइट एंड देन आई बिलीव कि ठीक है यार इफ़ इट इज़ आई एम अहमदाबाद आई थिंक आई एम अहमदाबाद डिजर्वस और नीड्स दिस टाइप ऑफ सेक्रीफाइस एंड आई शुड डू इट राइट सो दैट वॉज माई ओनली मोटिवेशन अगर आप आई एम बेंगलोर के लिए पढ़ रहे हो नॉट फॉर आई एम्स बट या मैंने भी टू बी ऑनेस्ट इतना नहीं सोचा था मैंने सिर्फ यही सोचा था कि मैं कैट में मैक्सिमम परसेंटेज लेके आऊँगा सो आई ऑलवेज अचीव ऑलवेज एम फॉर लाइक नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन प्लस परसेंटेज तो मेरे दिमाग में वही घुसता रहता था यार कि मेरे परसेंटेज अभी तो आ नहीं रहे अगर मेरे परसेंटेज नहीं अभी आ रहे तो मैं ये सब छोड़ के एटलीस्ट मुझे पढ़ना चाहिए राइट दैट वॉज माई ओनली मोटिवेशन सो दिस इज द वन वे थ्रू विच यू कैन रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम रिड्यूस योर टाइम यू आर गिविंग टू द सोशल मीडिया एप्स आई नो आप इंस्टाग्राम से अपडेट रहते हो यूट्यूब से अपडेट रहते हो बट बिलीव मी दिस इज नॉट वर्थ एट ऑल राइट इतना भी वर्थ नहीं है कि आप उसको दो घंटे दो और उसमें पाँच मिनट का नॉलेज लो राइट देन सेकेंड थिंग दैट वर्क फॉर मी इज द एवरी डे स्कड्यूल राइट आई यूज टू मेक ए प्रॉपर स्कैड्यूल फॉर नेक्स्ट डे बिफोर स्लीपिंग राइट इससे मुझे क्या होता था, था ना जब मैं सुबह उठता था तो मुझे पता था मुझे क्या करना है मैं जॉब से जब आता था तब मुझे पता होता था कि मुझे क्या करना है अगर आप स्कड्यूल नहीं बनाओगे तो देन यू हैव टू थिंक आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस और आफ्टर कमिंग फ्रॉम योर कॉलेज कि यार क्या करूँ आज वो पढ़ता हूँ आज वो पढ़ता हूँ तो इसके बीच में इट गेट सो मच कन्फ्यूजन कि आप कभी क्या पढ़ रहे हो कभी क्या पढ़ रहे हो कभी क्या पढ़ रहे हो एंड देर इज नो वन पर्टिकुलर पाथ यू आर फॉलोइंग राइट देर इज़ नो वट वन पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट यू आर फॉलोइंग यू आर जस्ट स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स और यू आर नॉट डूइंग इट बाय बाय वॉट यूर ब्रेन इज टेलिंग यू आर जस्ट फॉलोइंग यर हर्ट कभी कभी सोचा कि ठीक है आज मुझे नंबर सिस्टम पढ़ना चाहिए तो नंबर सिस्टम पढ़ लिया कभी सोचा आज मुझे डीएलआर पढ़ना चाहिए तो डी एल आर उठा के पढ़ लिया तो इस इस वजह से आप आपके जो वीकली रिजल्ट है वो नहीं आएंगे राइट right? आपको कुछ पता नहीं लगेगा आपकी प्रोग्रेस कहाँ चल रही है कैसी चल रही है क्या चल रही है तो देट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ इफ़ यू आर जस्ट फॉलोइंग रैंडम थिंग्स सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट टू मेक एवरी डे स्केड्यूल एंड ऑल्सो मेक अ वीक वीकली स्कीड्यूल टू ट्रैक योर एक्टिविटीज़ टू ट्रैक योर प्रेपरेशन द नेक्स्ट थिंग इज मॉक्स राइट दिस ऑल्सो हैपन विद मी मैं भी डरता था मैंने काफ़ी मॉक्स डिले किए कि यार अभी नहीं दूंगा मेरी प्रेपरेशन कम है एंड आफ्टर वन मंथ आई रिलाइज कि मेरी प्रिपरेशन आज भी उतनी है मेरा कॉन्फिडेंस आज भी उतना है कि यार मुझे आज भी लग रहा है कि मुझे आज नहीं देना चाहिए मुझे एक महीना बाद देना चाहिए राइट एंड इफ यू कीप डिलेइंग द मॉर्क्स राइट अगर अभी तक आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा कम प्रिपेयर्ड है tub you can delay but if you're just feeling key you are somewhat prepared but you don't have confidence you have a fear to give mocks because you know that you can't perform better or you can't perform uh, what i would say you can't even perform what you are expecting or what others are expecting out of you for example let's say you you don't have confidence to score 80 percentile also right but still you have to you have to पैक अप योर सेल्फ एंड यू हैव टू अपीयर फॉर द मॉक्स द रीजन बींग की जब तक आप मॉक्स के लिए अपीयर नहीं होगे ना तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि कैट के मॉक्स कैसे होते हैं क्या कॉम्पिटिशन है आप कहाँ पर स्टैंड करते हो समाइम्स यू फील कि नाइनटी परसेंट एल इज़ वेरी ईजी टू स्कोर बट वैन यू अपीयर फॉर द मोक्स यू रियलाइज की इट इज नॉट दैट ईजी राइट इट टेक्स एफर्ट्स एंड वो दो घंटे बैठने की आदत भी नहीं होती राइट दो घंटे बैठना विद फुल कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट एन ईजी टास्क राइट सो आई विल सजेस्ट यू पीपल की

बट अगर आप बिना उसके दे रहे हो तो कभी आप सोचोगे ये देना है ये देना है एंड डे बाय डे डे बाय डे आपके मोक्स इकट्ठे होता जाएंगे एंड एट द एंड ऑफ कैट सीजन यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट ऑल द मोक्स एंड बिलीव मी गिव मोक्स फॉर योर लर्निंग्स डोंट गिव मोक्स टू जस्ट स्कोर हाई

एंड अगर वही वो सेम वोक मैं अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अपीयर कर रहा हूँ तो मेरा मेरा एक जो मोटिव है मौक देने का मेरा एक जो तरीका है वो उसमें काफ़ी चेंज आता था एंड मेरे स्कोर्स में भी वो रिफ्लेक्ट होता था तो व्हाट आई बिलीव इज कि एटलीस्ट यू हैव सम सेल्फ बिलीफ इन योर सेल्फ बिकॉज आई नो ए लॉट ऑफ यू आर रिपीटर्स एंड यू माइट बी लिसनिंग सम एक्सोज डेड थिंग्स फ्राम योर फैमिलीज फ्रॉम योर ब्रदर्स यू माइट बी सींग योर फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पोस्ट सम वन ईज सिटिंग एट आई एम अहमदाबाद सम वन इज सिटिंग एट आई एम बैंगलोर तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत खराब होता है कि यार काश मेरा भी हो जाता मेरा क्यों नहीं हो रहा सिर्फ मैं ही रह रहा हूँ तो उस चीज़ को पॉजिटिवली लो कि अगर आपका फ्रेंड पहुँच सकता है इफ़ यू हैव सेम अप्रिंगिंग राइट अगर कोई ऐसा बंदा है जो आपसे भी खराब है वो भी पहुँच गया फ्रो बाई बाय वर्किंग हार्ड राइट देन दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो रीच टू दैट पॉइंट एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर दैट स्कोर एंड कॉन्फिडेंस आर वेरी different things right it doesn't mean कि इफ यू आर गेटिंग गुड स्कोर दैन ओनली यू फील कॉन्फिडेंट right कॉन्फिडेंट इज लाइक अ स्टेट ऑफ माइंड ठीक है उसमें अब ऐसा है कि अगर आपका स्कोर अच्छा भी नहीं आ रहा तो इट डजेंट मीन कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते राइट right? कॉन्फिडेंट में ये होता है कि मेरे मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन वहां पर कर लूंगा आई नीड टू बी परसिस्टेंट आई नीड टू बी कॉन्स्टेंट एंड आई विल बी राइट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ इट तुम एक महीना दो महीना करके तो देखो

admission in some xyz college right they don't have particular mindset they don't have that confidence to score 99 they are so much relying on their 10th 12th gap year work x tier tier 3 college xyz things believe me uh, a lot of my friends are from tier 3 colleges from tier 2 colleges people with with not that much great background but are still sitting in some ims right because टेंथ ट्वेल्थ वर्क कैक्स ऑल दोज थिंग्स हर वेटेज बट यू कैन कंपनसेट ऑल दोज थिंग्स विद अ वेरी गुड कैट स्कोर राइट सो इफ यूर इफ यू आर जस्ट एमिंग फॉर नाइंटी परसेंट आई डोंट नो हाउ यू गेट मोटिवेटेड राइट इफ यू आर एमिंग फॉर समथिंग बिगर ऑब्वियसली यू गेट मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड राइट यू विल गेट मोटिवेटेडिंग एक्स्ट्रा टू गो फॉर एक्स्ट्रा माइल स्टोन राइट अगर आप सोच ही नाइन्टी परसेंट कर रहे हो सोच ही आप एटी फाइव परसेंटल कर रहे हो तो हाउ हाउ इट विल बी पॉसिबल कि आई कैन मोटिवेट यू टू स्कोर 95 फाइव परसेंटेज नाइन्टी नाइन परसेंटेज ऑब्वियसली आप नाइनटी नाइन का ड्रीम करो यू विल लैंड अपवेर अराउंड नाइनी फाइव और मे बी मोर देन नाइन्टी नाइन बट आप अगर ड्रीम ही परसेंट परसेंटेज का करो अगर आप अभी भी वहीं स्टक हो कि सर मैं आज स्टार्ट करूँगा तो मेरे नाइन्टी नाइन आ जाएंगे या नहीं आएंगे मैं मेरा वर्क एक्स इतना है मेरा गैप इतना है देखो गैप से आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा आज स्टार्ट करोगे उससे स्कोर इंप्रूव नहीं होगा बट आज डिले करोगे तो उससे स्कोर इंपैक्ट होगा तो बेटर है कि जितना जल्दी स्टार्ट कर सको उतना जल्दी स्टार्ट करो राइट सो दीज आर द मेजर थिंग्स दैट आई हैड इन माई माइंड राइट इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन पुट इट इन द कॉमेंट बॉक्स फॉर फ्यूचर वीडियोज यू कैन जस्ट सजेस्ट मी और यू कैन जस्ट पुट आउट योर प्रॉब्लम एंड आई विल मेक वीडियो ऑन इट टिल दैट टाइम प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर विद य फ्रेंड्स थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गैट